वीडियो। माय नेम इज मुस्कान। आज मैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो अपने ऑयली स्किन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए जो इन्हें ऑयल कंट्रोल भी दे दे, एक्ने कंट्रोल भी दे दे और पिंपल कंट्रोल भी दे दे। तो अगर आप भी इन परेशानियों से परेशान हैं और इन सभी से कन्फ्यूज रहते हैं कि आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिन भर बाहर काम करने के बाद हमें पोल्यूशन और डर्ट से फेस करना पड़ता है, जिससे हमारी स्किन ऑयली हो जाती है और हमारे फेस पर पिंपल्स और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। और हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा परेशान रहते हैं कि हम ऐसा कौन सा फेस वॉश यूज़ करें जो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दे दे। जी हाँ, पर अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपके कंफ्यूजन का राज खोलने आई हूँ। जी हाँ, TIG का चारकोल फेस वॉश जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जो आपकी स्किन को एकदम फ्रेश और हेल्दी बना देता है। जी हाँ, TIG चारकोल फेस वॉश में बैम्बू चारकोल है जो एकदम नेचुरल होता है और बैम्बू चारकोल आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जो आपकी स्किन से आपको ऑयल फ्री कर देता है, जो आपकी स्किन को बिल्कुल ऑयल फ्री कर देता है और फ्रेशअप कर देता है। जी हाँ, TIG का चारकोल फेस वॉश आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बना देगा। जी हाँ, अब बात करते हैं TIG चारकोल फेस वॉश आपको बेनिफिट्स क्या देता है। TIG चारकोल फेस वॉश आपके ऑयल कंट्रोल करता है, साथ साथ एक्ने और पिंपल्स पर भी कंट्रोल करता है। जितना भी आपके स्किन पे ऑयल होता है उन सभी को निकाल देता है और आपकी स्किन को फिर से हेल्दी एंड ग्लोइंग बना देता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा फेस वॉश जो आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देगा, जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग बना देगा। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग और फ्रेश तक दिखे और आपके कन्फ्यूजन का अगर आप क्लियर हो गई है और अगर आपकी परेशानी का भी अगर आपको हल मिल गया है तो इसे ज़रूर लीजिए और अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से और हेल्दी बनाइए और अपनी स्किन को ऑयल फ्री ज़रूर करिए।